आज हम जा रहे हैं भरतपुर नोएडा से। नोएडा से भरतपुर का डिस्टेंस है कितना? 206 किलोमीटर। एक्चुअली 200 भी नहीं है, वो हमारा होटल भरतपुर से 25 किलोमीटर आ गया। तो भरतपुर तो अराउंड 185 किलोमीटर ही है। तो एक्चुअली में जहाँ हमें जाना है वो 206 किलोमीटर है, और हम निकले थे सुबह 9:30 बजे। गूगल मैप के अकॉर्डिंग हमें 3.5 घंटे लगने चाहिए, और 1 घंटा हम एक्स्ट्रा लेके चल रहे हैं चाय वगैरह का ब्रेक लेके। तो अराउंड हम 1 बजे तक पहुँचेंगे। तो एक्चुअल में जहाँ हमें जाना है वो राजस्थान में एक पहरसर करके जगह है, उसमें एक रिजॉर्ट है। तो बेसिकली रास्ता हमारा है यमुना एक्सप्रेसवे से, फिर हम मथुरा से एग्जिट करेंगे, और मथुरा ये बिल्कुल बॉर्डर पे राजस्थान स्टार्ट हो जाता है। तो अभी तो हम ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पे ही, अभी तो यमुना एक्सप्रेसवे आया भी नहीं है। तो आराम आराम से पहुँचाएंगे टहलते टहलते। और आज सुबह से यहाँ पे हो रही है बारिश, अब तो फिर भी कम है बट सुबह से काफ़ी ज़्यादा बारिश थी, तो इसीलिए हम लेट हो गए थोड़ा निकलने में। बाकी बारिश की वजह से मौसम काफ़ी अच्छा हो गया है, ग्रीनरी है, रोड ट्रैफिक कम है रोड पे। तो देखते हैं, बस बारिश और ज़्यादा तेज़ नहीं आनी चाहिए, अदरवाइज स्लो हो जाएगा काफ़ी, क्योंकि एक्सप्रेसवे पे बारिश मिलती है तो फिर स्लोली भी चलानी पड़ती है और कहीं पे खड़ी भी नहीं कर सकते गाड़ी। तो आई एम होपिंग कि बारिश ना मिले। तो अब हम एक्सप्रेसवे पे एंटर कर रहे हैं यमुना एक्सप्रेसवे पे। ये इसकी ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे से एक कट आता है, वहाँ से यमुना एक्सप्रेसवे की एंट्री स्टार्ट होती है। पे कितना ट्रैफिक मिलता है क्या मिलता है यार, काफ़ी ज़्यादा बोरिंग रोड है ये। नॉर्मल रोड से भी ज़्यादा अटेंशन देके गाड़ी चलानी पड़ती है, क्योंकि बोरिंग है, नींद आती रहती है, कोई ट्रैफिक नहीं है इसमें। इस रोड पे आते ही ना 80 की स्पीड भी ऐसे लगती है जैसे साइकिल चला रहे हो, क्योंकि दूर दूर तक कोई भी नहीं दिख रहा है। मथुरा यहाँ से 125 है, हमारा रिजॉर्ट मथुरा से 60 किलोमीटर है, तो अभी स्टिल 180 किलोमीटर लेफ्ट। मथुरा से भरतपुर होगा 40 के आसपास, क्योंकि भरतपुर से रिजॉर्ट 25 है, 40 के आसपास होगा मथुरा और भरतपुर का डिस्टेंस। तो बाकी अगर भरतपुर जाने का प्लान हो तो यमुना एक्सप्रेसवे से ही रास्ता बनेगा, और ये रास्ता बेटर भी है, थोड़ा टोल ज़्यादा लगता है बट इट्स बेटर, क्योंकि ट्रैफिक नहीं मिलता, आराम आराम से पहुँच जाओगे। बाकी अगर दिल्ली की तरफ से आओगे, पलवल की साइड से आओगे, तो ट्रैफिक ज़्यादा मिलेगा। ज़्यादा
का सेकंड टोल आ गया है, आई गेस ये मथुरा वाला टोल होगा, इसके बाद हमें एग्जिट लेना होगा वृंदावन यहाँ से 13 किलोमीटर। तो टोटल तो अभी हमारा 90 किलोमीटर के आसपास बचा है, 2 घंटे लगेंगे एज पर गूगल मैप। ये सेकंड टोल है, इसको क्रॉस करके एक बार फ्रेश होने के लिए रुकेंगे, फिर अपनी जर्नी आगे कंटिन्यू करेंगे। अभी मौसम ठीक है, बारिश वारिश तो नहीं आ रही है। सिस्टम है ये, मतलब इनसे मैनेज भी नहीं हो पा रहा है, ये भी नहीं चल रहा है। लाल गाड़ी वाले भैया एकदम खड़े हैं, इधर लगा ले एंडेवर के पीछे, यहाँ लगा। टोल से निकलने में भी ना इतना संघर्ष है, मतलब फास्टैग के बावजूद बेचारे लोग भी ना ऐसे आड़े टेढ़े से खड़े होते, एक लाइन नहीं लगी होती है टोल पे। और फिर अपना 87 किलोमीटर बचेगा। चलो भैया लेफ्ट ले लेते हैं, चांस हो रहा है कि रूट पे जाएंगे, कुछ सुविधाओं का आनंद उठाएंगे। अरे यार बारिश तेज हो गई, लेकिन एक सुविधा का आनंद तो उठाना ही है, जानी पड़ेगा। तो अभी हम रुके थे एक वॉशरूम वाले ब्रेक के लिए, लेकिन हमने यहाँ से कॉफ़ी भी ले ली, नेस्कैफे कोल्ड कॉफ़ी पी के देखते हैं कैसी है। थोड़ी अल्ट्रा एक्सपेंसिव लगी मेरे को, 160 की एक कैन, लेट्स सी। चलो अपना एग्जिट आ गया है, देखो अलग सा बोर्ड लगा हुआ है मथुरा का, ब्राउन कलर का, जिससे पता लग जाता है मथुरा का एग्जिट आ गया। मंदिर वंदिर बना हुआ है इस पर। चलो अब हम घुसेंगे मथुरा सिटी में, और फिर वहाँ से हमारा डिस्टेंस रह जाएगा अराउंड 65 किलोमीटर। अभी चिल्पो वाला ट्रैफिक मिलेगा, पाँ 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 वाला। ऐसी रोड है क्या सिंगल? ये रास्ता आ गया थोड़ा रात में, मेरे को लगता है रिस्की हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे तो लाइट्स स्ट्रीट लाइट्स भी नहीं दिख रही है। यहाँ तो पूरा ट्रैफिक है, तो बाकी रास्ता अच्छा नहीं है लेकिन ट्रैफिक नहीं है, तो हौले हौले करके पहुंच जाएंगे। अब हम ये मथुरा से भी बाहर निकल चुके हैं, अब आई गेस ये सड़क भरतपुर जाती होगी। मथुरा से बाहर निकल के हम हाईवे क्रॉस करके मुड़ चुके हैं। ये वाली रोड थोड़ी सही है, क्योंकि ज़्यादा यहाँ पे लोग रहते भी नहीं होंगे, जाते भी नहीं होंगे, ये थोड़ा सही फील दे रही है। वो तो एकदम सिटी वाली रोड,
मथुरा क्रॉस करने के बाद से एकदम बढ़िया रोड्स मिली हैं, बस सिंगल लेन है, नहीं तो एकदम स्पीड यहाँ पे 70-80 आराम से गाड़ी चलती है यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है। बीच बीच में कभी कभी ओवरटेकिंग में टाइम लग रहा है, बट रोड्स अच्छे हैं। तो आई गेस जो थोड़ा सा खराब पैच है, वो खराब क्या, थोड़ा ट्रैफिक वाला पैच है, वो मथुरा वाला ही है। उसके बाद रोड्स काफ़ी सही हैं, बेटर हैं, कि मौसम भी सही हो गया, ज़्यादा गर्मी नहीं लगती, धूप तेज नहीं है, व्यू व्यू सा है, मज़ा आ रहा है, मज़ा आ रहा है। ये बस बीच बीच में थोड़े गाय, थोड़े ट्रक, ये सब, अदरवाइज तो हम राजस्थान में एंटर कर चुके हैं। पीएमपी हमने यूपी बॉर्डर से राजस्थान बॉर्डर क्रॉस किया है, तो अब यहाँ से भरतपुर ऑलमोस्ट 15 से 16 किलोमीटर है और फिर आगे 25 किलोमीटर और, तो डिस्टेंस अराउंड 37-38 किलोमीटर का भी रहता है हमारे होटल का। छोटा सा माइक दिख रहा है लगा हुआ सुबह से 3 बार परेशान कर चुका है। सीट बेल्ट पे लगा देता हूँ, उतारना भूल जाता हूँ और ये खो जाता है और फिर मैं दूर तक ढूंढ के आता हूँ कि कहाँ खो गया है। अब यहाँ से ऑलमोस्ट 30 किलोमीटर है तो सुबह से हम पहुँच ही नहीं पा रहे हैं। हमारा, हमें लग रहा था हम 1 बजे तक पहुँच जाएंगे, लेकिन ये जितना टाइम ये माइक ने वेस्ट कराया ना, इतना टाइम तो हमने कॉफी वॉफी लेने में भी वेस्ट नहीं किया। गंदी, मेरे को तो अच्छी लगी, बहुत ज्यादा गंदी है। अभी 20 किलोमीटर बचा है, 26 मिनट दिखा रहा है। अजीब सा ही रास्ता है ये, इंटरनल शायद ये भरतपुर पड़ता है। अब शायद ये रास्ता आगे हाईवे पे मिलेगा तो थोड़ा शायद ट्रैफिक ठीक हो। भूख बहुत तेज लग रही है, वहाँ देखते हैं जाके क्या खाएंगे। तो भरतपुर से निकलते ही हमें काफ़ी अच्छे रोड्स मिले। ये रोड भरतपुर को आगे राजस्थान के और पार्ट से कनेक्ट करता है, तो आई गेस ये रोड सीधा जयपुर की तरफ भी जाता है। तो ये रोड काफ़ी अच्छा मेंटेन था, काफ़ी अच्छा बना हुआ था, तो इसलिए इस रोड पर एक टोल भी पड़ा। तो एक्चुअली ये टोल अराउंड 25 रुपये का ही था, बट ऑब्वियसली हम बार बार अपने होटल से भरतपुर आए 2-3 बार ही, तो हमें हर बार ये टोल देना पड़ा। बट ठीक है, ये 25 रुपये वर्थ था, क्योंकि इस रोड पे हमने 80-90 की स्पीड मेंटेन की हुई थी और इस रोड पे आने के बाद हमें पता भी नहीं लगा हम कैसे 15 से 20 मिनट के अंदर अपने होटल पहुंच गए। तो पहसर गांव के लिए हमने